बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है, जिसके चलते अब तक मुल्क में करीब 105 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। शेख हसीना सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेशन वाइड कर्फ्यू लगाने और सेना को जमीन पर उतारने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर पड़ोस में जारी स्थिति को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया है और वहां मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन को और उसका आंतरिक मामला बताते हुए विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में वहां 8,500 छात्रों सहित लगभग 15,000 भारतीय रह रहे हैं और वे सभी सुरक्षित हैं। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे तक 125 छात्र समेत 245 भारतीय भारत लौट आए। उन्होंने बताया कि भारतीय उच्चायोग ने 13 नेपाली छात्रों की वापसी में मदद की। बता दें कि सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन में छात्र लाठी डंडे से लेकर पत्थरबाजी तक कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी बसों और निजी वाहनों तक को निशाना बनाकर उन्हें फूंक रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के जवान जख्मी हुए हैं। बांग्लादेश से लौटे छात्रों ने क्या कहा, देखिए। हमें इंडियन एम्बेसी में इसे मैसेज भी आई थी, उन लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा अनरेस्ट हो गया है बांग्लादेश में इस चीज़ को लेकर कि वहाँ का कुछ कोटा सिस्टम है एजुकेशन में, तो उनका किसी कोई ऐसा तबका है जिसका कोटा बढ़ा दिया गया था, तो उसको लेकर जो है एक टेंशन सा क्रिएट हो गया है। तो उसकी वजह से जो भी इंडियन स्टूडेंट्स है चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट तो वहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया है, तो हमें सेफर साइड पर लगा के घर चले जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए इतना ही बड़ा इंडियन एम्बेसी से, लेकिन गाइडलाइन है कि सब ठीक है, सेफ है और जो जितना जल्दी हो सकता है ये सब ठीक हो जाएगा। तो वायलेंस किस लेवल की हो रही है, मतलब हमारे कॉलेज के सामने तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कॉलेज के सामने मतलब सिलेक्ट में इतना कुछ नहीं है, जितना सुना है मैंने या देखा है इंटरनेट से तो ढाका का सुना है, लेकिन सिलेक्ट में सब कुछ ठीक है। अभी देश का स्थिति बहुत प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा है, नेट बंद है, फिर बहुत तकलीफ हो रहा है बांग्लादेश में, कोई खबर हमारे पास भी नहीं है, नेट चल रहा है नहीं, नेट के बिना कोई खबर नहीं है हमारे पास। तो आप वहाँ पे कौन सा पढ़ाई कर रहे थे? मैं तो मेडिकल वीसा में आया। वहाँ पर प्रोसेस अच्छा नहीं हो क्योंकि वो क्या होते है हमारे इंडिया में जो कोई प्रॉब्लम होता है उसका नेटवर्क मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, ठीक है, ऑफिशियली नेटवर्क रहता है, वहाँ पर ऑफिशियली नेटवर्क भी टोटली बंद है, टोटली नेटवर्क नहीं है। और वहाँ का जो परिस्थिति है ये क्या गाड़ी भाड़ा जो है ना रेंट, हाँ जिसका रेंट है 200 रुपए, मैं अभी आया 1,000 रुपए 1,000 रुपए देके आए बामन बरिया से, बहुत बहुत कॉस्टली है। और वहाँ का जो परिस्थिति स्टूडेंट बहुत बहुत परेशान होते हैं इन लोग जो है, वही प्रॉब्लम है बस।